सबको रोशनी फाउंडेशन ने बड़ा अच्छा ये कार्य उठाया है कि पानीपत का जो दशहरा है वो आप सबको पता है कि अपने आप में एक अनूठा दशहरा है, इसे एक पहचान अलग से मिलनी ही चाहिए। आज विकास जी हमें यहाँ एकत्र करके हम इसकी पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे, पूरी मांग रखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जो ये आज ये बीड़ा उठाया है विकास जी ने या संगठन ने या दशहरा कमेटियों ने, इसको हम पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पानीपत के दशहरे को एक अलग पहचान बनाएंगे। आप सभी बंधु जानते हैं कि दशहरे के उपलक्ष्य में पानीपत में जो माहौल बनता है वो भी अपने आप में कोई कम ख्याति नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 40 दिन पहले ही पानीपत में दशहरे से पहले कितना भक्तिमय माहौल हो जाता है। और जो भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो सारा साल, मैं तो ये समझता हूँ, हो सकता मंदिर ना भी जाता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, पर दशहरे के मौके पे वो 40 दिन, 21 दिन या 11 दिन के व्रत में शामिल भी होते हैं और हमारे बजरंगबली जी महाराज जी की सेवा में भी उपस्थित रहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे विकास जी ने बताया, हमारे पानीपत का दशहरा और हनुमान जयंती महोत्सव हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट भी करना चाहिए और हमें मेहनत भी करनी चाहिए कि जिसे सबसे पहले वो राजकीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे मनाया जाएगा। इसके लिए जब तक हम लोग सभी, जिस तरीके से हम लोग सभी दशहरा कमेटियाँ, सनातन धर्म संगठन और पानीपत की बाकी सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, हम लोग सब मिलके अगर ये करेंगे तो ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। दशहरा पर्व पानीपत में बहुत पुराना, जब से पाकिस्तान से आए हैं मनाया जा रहा है और काफ़ी सालों से दिन प्रतिदिन भव्य रूप से होता जा रहा है। ये पिछले साल या इस साल कोविड के कारण से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज दशहरा बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पानीपत में हुई है जिसका असर जो है मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा या पूरे इंडिया में पड़ने वाला है। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे साथ विकास गोयल हैं, सबको रोशनी अभियान से जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। विकास जी, जो टॉपिक आपने उठाया बड़ा अच्छा टॉपिक था, एक बार जनता जानना चाहती है क्या है वो मामला। देश भर में कुछ चीज़ें बड़ी प्रमुख गिनी जाती हैं जिनमें कुल्लू का दशहरा और मैसूर का दशहरा है। पानीपत का दशहरा जो है वो प्रचलित तो बहुत अधिक है, लेकिन इसको राष्ट्रीय पहचान मिलने की आवश्यकता है। आज हम सबको रोशनी फाउंडेशन के माध्यम से पानीपत की सभी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से मांग रख रहे हैं कि पानीपत के दशहरे को राजकीय समारोह के रूप में घोषणा करें, धीरे धीरे राष्ट्रीय समारोह हो। और पानीपत के दशहरे का, जैसे मैसूर के दशहरे का लाइव आता है, वहाँ पर क्या है कि दो तीन ही उसके सॉलिड एलिमेंट हैं उस दशहरे के, ऐसे ही हमारे यहाँ पर कुछ सॉलिड एलिमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है। तो पानीपत के दशहरे को राष्ट्रीय समारोह और राजकीय समारोह हो। क्यों जरूरत पड़ी सर इसकी? हालांकि चलो वो कथा कहानियाँ है ना, अभी देर है, दुरुस्त है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी? जरूरत तो आप जब, तीन स्टेज रहती है लाइफ की। सबसे पहले रहती है कि मेरा मानना पहले तो ये है कि ये डिमांड आज जो उठी है ये 50 साल पहले उठनी चाहिए थी। ये 50 साल बाद हनुमान जी की कोई कृपा हुई है कि बाद उठी। फिर अगर आपने जैसा क्वेश्चन किया है, तो नॉर्मली हम कॉमर्शियल सिटी में हैं पानीपत में, तो यहाँ पर सब लोग ना एक ही दौड़ पर लगे हैं बस। तो अब ये कि सांस्कृतिक दौड़ पर बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि पानीपत में लोग आते हैं, पानीपत की लड़ाई है, इवन देन वो पानीपत फिल्म शूट हुई उसमें भी पानीपत के सीन मुझे नहीं लगता थे, कुछ है ही नहीं हमारे पास ऐसा जो दिखाएं। तो एक ये दशहरा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चाहूँगा कि आप भी इसको लाइव दिखाएं और जो पानीपत के लोग हैं वो सभी चैनलों को के लिंक आगे भेजें ताकि वर्ल्ड लेवल पर पानीपत के, जहां पर विदेशों में हमारे लोग रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, वो देखें। पानीपत के निर्यातकों से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहां पर अपने निर्यातक जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे और विदेशी पर्यटक हैं, उनको यहाँ लाएं। पानीपत के व्यापारियों से कहूँगा कि वो अपने व्यापारियों को इन्हीं दिनों में यहाँ पर बुलाएँ, इससे व्यापार भी बढ़ेगा, वो दशहरा भी देखेंगे। और कुल्लू में मुझे कल बताया किसी ने कि वहाँ पे कोई रामगढ़ करके एक मैदान है जहाँ पर ये होता है, वो कहते हैं वहाँ देखने में, कहते हैं अगर जलेबी की दुकान है तो 200 जलेबी की दुकान है, अगर वहाँ पर हैंडलूम की शॉल की दुकान है तो 200 हैंडलूम की दुकान है, इस तरीके से। तो पानीपत में व्यापार का भी बहुत बड़ा इसमें वो होगा, एक सबको एक मिलकर साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। मतलब जो हनुमान जो पानीपत में सबसे ज़्यादा जो है किए जाते हैं, स्वरूप बनते हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये दशहरा का जो पर्व है
लगातार 4-5 दिन इसकी ढूंढ रहे, 4-5 दिन तक पता लगे कि एक दशहरा पर्व मना रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं अभी उद्योग की बात कर रहे थे, उद्योगपतियों की आप अपील भी कर रहे हैं, उद्योगों को भी रहेगा। और दूसरा ये कि पानीपत अब तीन लड़ाइयों के नाम से मशहूर है, ये भी होगा कि अगर ये प्रयास आपके ठीक ठाक निकल जाते हैं, सीएम मान जाते हैं इसको, क्योंकि पहचान मिल जाती है, तो इंटरनेशनल स्तर पर इसका भी नाम होगा। निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये है और ये होगा। अगर हमने तो आज ये पौधा लगाया है, मैं नहीं करूँगा, मेरी अगली पीढ़ी करेगी। आज ये बात रखनी थी, बात रख दी, और इसमें काम खाली मैं नहीं कर रहा हूँ, हनुमान जी भी तो काम करेंगे, वो अपने आप कराएंगे, इसको बड़ा पूरा विश्वास है। और मेरे को अभी तो विश्वास है, अभी मेरे को सभी साथी आपके छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु सब थे साथ में, वो कहने लगे इससे अनुकूल वातावरण क्या मिलेगा हमें। आज हमारे पास जनप्रतिनिधि हमारी विचारधारा के हैं, और हमारा प्रदेश के प्रतिनिधि, देश के प्रतिनिधि, सभी एक से विचारधारा के, तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो अभी कैसे प्रयास कर रहे हैं पानीपत की, कौन कौन सी संस्थाएं आपके साथ हैं और आगे भविष्य में किसको मिलने जाएंगे? पहला सेगमेंट तो ये है कि सबसे पहले हम अपनी एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, प्लेन एक कागज की एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं। उसके बाद हर टाइम के अंतराल बाद उस एप्लीकेशन में हम ऐड ऑन करते रहेंगे, उसके सेगमेंट्स बनाए हमने। जैसे व्यापारिक सेगमेंट अतुल गुप्ता जी संभाल रहे हैं, दशहरा कमेटी का सेगमेंट रमेश माटा जी संभाल रहे हैं, हनुमान सभाओं का सेगमेंट सूरज दुरेजा जी संभाल रहे हैं, सारे मंदिर अपनी एप्लीकेशन देंगे वो अपने कृष्ण रेवड़ी जी संभाल रहे हैं, ऐसे व्यापारिक एसोसिएशन अलग से करेंगी, महिला हमारी आरती सिंगला संभालेगी। तो इस तरीके से सेगमेंट्स वाइज हम एप्लीकेशंस लगाएंगे। 36 बिरादरियों के हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, वो करेंगे, स्टूडेंट्स अलग से करेंगे, हनुमान सभाएं अलग से करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब लोग और सब कुछ आऊँगा सब। और जब सब लोग इतनी दुआएं देंगे, इतना सब कुछ काम करेंगे, तो अपने आप होगा। तो सीएम से भी मिलने का? निश्चित मिलेंगे, कई बार मिलेंगे और सबके साथ मिलेंगे, सीएम से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। मैं क्या कोई इसमें कोई अपना कोई सिस्टम नहीं है, लोगों के लिए है, और मेरे ख्याल सीएम को मान भी जाना चाहिए आपकी, क्योंकि ये प्रयास अच्छा है पानीपत के लिए। सीएम साहब की तो मुझे किसी ने बताया कि हनुमान जी के प्रति विशेष आस्था है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की भी जब हम फोटो देखते हैं तो हनुमान जी का स्वरूप बराबर में रखा है, और ये किसी का व्यक्तिगत आयोजन नहीं है। हमारी संस्था कोई सबको रोशनी फाउंडेशन अपने लिए भी कोई अनुदान नहीं मांग रही है इसमें, हम सबको रोशनी फाउंडेशन से कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली दशहरा कमेटी को इसका वो करें। कुल्लू का दशहरा 9 दिन का है, आप दिल्ली जाएं, दिल्ली में क्या है, एक व्यापारिक मंडी बन गई, आप पंजाबी बाग के दशहरे में और दिघा दशहरे जाएं। मुझे ध्यान है जब हम छोटे होते थे, एक दिल्ली के जितने कैटर्स हैं वो अपनी नई आइटम लॉन्च करते थे उस दशहरे के मेले में। हर जगह बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, बस पानीपत में ही मुझे नहीं लगा कि क्या वजह हुई, जबकि एक फ्रूटफुल लैंड है ये, इसके लिए व्यापारिक दृष्टि से भी सब व्यापारी आए देश के, इन्हीं दिनों में आए, आगे दिवाली का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो इन्हीं 8 दिनों का, ये बल्कि एक दिन का ना हो, 8-10 दिन का समारोह, और इस बार एक दशहरा ग्राउंड में हम इस आयोजन की एक छोटी सी झलकी जो हमारे माइंड में है वो हम पेश करेंगे, परंपरा के आधार पर वो ढोल की थाप पर हनुमान जी का नृत्य पेश करेंगे हम एक दशहरा ग्राउंड में, और चाहूँगा ये सब धीरे धीरे हो और वो एक लैंडमार्क बनेगा, उसके लाइव्स भी सबसे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए, बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। विकास गोयल हमारे साथ जुड़े थे, बड़ा अच्छा प्रयास है, और अच्छी बात यह है कि पानीपत तीन लड़ाइयों के नाम से जो है इतिहास में लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ें जुड़ जाती है तो वाकई पानीपत को एक नई पहचान मिलेगी, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल।
कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।